नारायण 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 नारायण। ईशरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनो सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। नारायण नारायण नारायण। जिस अध्यात्म तत्व की चर्चा वेदों में की गई है, उस अध्यात्म तत्व की प्राप्ति के बाद महत्पुरुषों का जो जीवन है वह प्रारब्ध के आधार पर संचारित होता है। पूर्व अभ्यास के द्वारा जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं दिखती हैं। यही कारण है जनक में भी वह ज्ञान परिपूर्ण है और श्री सुखदेव में भी वह ज्ञान परिपूर्ण है। दोनों की रहनी, दोनों का जीवन जीने का ढंग अलग होने के बाद भी दोनों महापुरुषों का ज्ञान परिपूर्ण है। वैराग्य प्रधान जीवन जीने वाले भी ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और संसार का संचालन करते हुए देखने पर भी वह ज्ञान से परिपूरित होते हैं जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यवहार को देख करके निश्चित रूप से सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि जो व्यवहार में रचा पचा है वह भी तत्वज्ञ हो सकता है। जिसके जीवन में सिद्धियों का दर्शन होता है वह भी तत्वज्ञ हो सकता है। जो मौन है वह भी तत्वज्ञ हो सकता है। जो प्रखर वक्ता है वह भी तत्वज्ञ हो सकता है। जो संसार के नाना प्रकार के क्रियाकलापों में लगा हुआ है वह भी तत्वज्ञ हो सकता है। इस बात का दर्शन हमारे पूज्य महाराजश्री ने, आराध्य ने श्री मोकलपुर बाबा के दिव्य चरित्र से प्रस्तुत किया है। अध्यात्म का ज्ञानी व्यक्ति अध्यात्म को कहीं भी घटा सकता है। उसकी आराधना इतनी सिद्ध हो गई है कि कण कण में परमात्मा उसे दिखता नहीं, कण कण ही परमात्मा दिखता है। यही कारण है कि जब महाराजश्री के चित्त में यह बात हुई कि श्री मोकलपुर बाबा के पास में विविध प्रकार की सिद्धियां हैं, किंतु उन सिद्धियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है और बाबा सत्संग की चर्चा करते नहीं हैं, तो हमारा वहां जाने का प्रयोजन निष्फल है। किंतु निश्चित रूप से यह नियम है, लघु महद की ओर आकर्षित होता है। बाबा अध्यात्म के परिपूर्ण ज्ञानी थे। वह ब्रह्म तत्व के विलक्षण विज्ञान को समझते थे। यही कारण है कि महर्षि का उनके प्रति आकर्षण था। उनकी वह मंद मंद मुस्कान महर्षि को खींचती थी, जिसके कारण वहां गए। उनके आगमन को देखकर, उनकी श्रद्धा को देखकर, उनके प्रेम को देख करके बाबा ने अपना हृदय खोला और उस हृदय खोलने में बाबा की विलक्षणता समझने लायक है पूज्य श्री मुकुलपुर बाबा ने। क्योंकि गंगा के तट पर रहते थे, गंगा की आराधना करते थे, गंगा को ही सर्वस्व मानते थे, इसलिए गंगा को ही सृष्टि का
उद्गम स्थान मान लिया, अर्थात सृष्टि गंगा से ही बनती है। कितनी सुंदर बात कही, गंगा जलमय है, इसलिए बाबा ने जल की इतनी अद्भुत व्याख्या की है, इतनी अद्भुत व्याख्या की है। बाबा ने कहा उस परमात्मा को आप निर्गुण निराकार माने तो वह निर्गुण निराकार है, आप उसे सगुण साकार माने तो वह सगुण साकार है। अभिप्राय वह अपनी दृष्टि से न निर्गुण निराकार है न सगुण साकार है। ये निर्गुण निराकार मानना या सगुण साकार मानना या भक्ति की दृष्टि ही है। परब्रह्म परमात्मा की अपनी दृष्टि कुछ भी नहीं है, वह अपनी दृष्टि है। बाद में बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात कही जो विचारणीय बात है, इसमें दृष्टि डालने लायक बात है। पूज्य श्री मुकुलपुर बाबा कहते हैं कि यदि आप उसे निर्गुण निराकार मानते हैं तो निर्गुण निराकार मानने के कारण उसमें जल का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। इसलिए कहते हैं उनका संकल्प ही जल बना। और यदि सगुण साकार मानते हैं तो उनका परिश्रम, उनका पुरुषार्थ पसीना बन करके जल बना, और इस जल से ही संपूर्ण सृष्टि बनी है, जल से ही जीवन है। यह बात गंगा की दृष्टि से अध्यात्म को सिद्ध कर रहे हैं। बाबा ने दूसरी ओर दृष्टि डाली जो बड़ी विलक्षण है। हम आप सब जानते हैं कि शरीर की संरचना में कफ, वात और पित्त की आवश्यकता है। बाबा ने जल को भी शरीर की संरचना में इतने ढंग से दर्शाया है, निश्चित रूप से जल ही कफ है। कफ का जो दर्शन होता है वह जल का ही रूप है, जल से ही कफ बनता है। और कहा जो गति दिख रही है उसमें प्रसरण गति दिख रही है, वात माने वायु है। और जो थक्का है उसका एक जगह ठहर जाना, एक रूप में दिख जाना, वह निश्चित रूप से पित्त है। कफ वात पित्त से ही ये सृष्टि बनी है। बाबा ने एक बात और भी बहुत अद्भुत दृष्टि डाली कि सृष्टि में घास और मांस ये दो चाहिए। घास से मांस बनता है और मांस से घास बनती है। ये घास और मांस की दृष्टि भी अद्भुत है। घास माने व्यक्ति का आहार, जैसे पशु का आहार घास है वैसे व्यक्ति का आहार ही घास है। घास से ही समझो ग्रास बना, जो ग्रास है वही घास है। तो जब हम ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, तो मांस बनता है। और यही मांस जब प्राणहीन हो जाता है तो निश्चित रूप से मिट्टी बनता है, और मिट्टी से फिर घास बनती है, घास से फिर शरीर बनता है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। तो निश्चित रूप से गंगा की ही ये देन है, अर्थात गंगा ही सृष्टि का उपादान कारण है। बाबा ने इस प्रकार से गंगा को ब्रह्म रूप में दिग्दर्शित कराया है। यही तो हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज की विलक्षणता है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज अगर देवी भागवत की संरचना करते हैं तो देवी ही सब कुछ बनी हुई है। बावन भगवान की, बावन पुराण की चर्चा करते हैं तो बावन भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। इसलिए यहाँ गंगा के रूप में ही सब कुछ दर्शा देना, ये बाबा की विलक्षण दृष्टि है। और इस दृष्टि से लगता है कि बाबा परम ज्ञानी, परम विद्वान, दिव्य संत हैं। महर्षि के जीवन में ऐसे पूज्य संतों की कृपा से ही या ज्ञान की रसधारा आर निस बरसती रहती थी। वह ज्ञान हमारे जीवन में विज्ञान का कारण बने, यही गुरुचरणों में बारंबार प्रार्थना है। शेष अगले क्रम में नारायण 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 नारायण।